अगर आप अपने विद्यालय को सरकार के साथ रजिस्टर करना चाहते हैं, यानी कि अपने विद्यालय का एफिलिएट करना चाहते हैं, तो इस पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको 27 यानी कि 28 मिनट का वीडियो में मैंने आपको पूरी प्रक्रिया बता दिया है किस तरह आप अपने विद्यालय को सरकार के साथ रजिस्टर कर सकते हैं, अपने विद्यालय को मान्यता प्राप्त कर सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा। ये 28 की वीडियो में मैंने पूरी चीज आपको विस्तार से बताया है। वीडियो बहुत बड़ा है लेकिन इसमें आपको एक एक जानकारी दिया गया है और अप्लाई करने का पूरा एक सटीक सटीक प्रक्रिया आपको बताया गया है। तो इस वीडियो को देख के अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये अप्लाई करने में क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमें लगेगा। वो डॉक्यूमेंट पहले हम रेडी करेंगे तब हम अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का प्रोसेस आप इस 28 मिनट के वीडियो में, जिसमें मैंने बहुत कड़ी मेहनत के साथ इस वीडियो को मैंने रिकॉर्ड किया 28 मिनट का, इसे आप देखिएगा। और आज के इस वीडियो में आपको इसमें अप्लाई करने वाले लगने वाले सारे डॉक्यूमेंट के बारे में हम बात करेंगे। जो डॉक्यूमेंट पहले आप रेडी करेंगे, रेडी करने के बाद आपको अप्लाई करना है इस वीडियो की मदद से। ये वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, डॉक्यूमेंट के बारे में जानते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको रेडी रखने होंगे। पहली डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो आप विद्यालय को रजिस्टर करेंगे, मान्यता प्राप्त करेंगे, तो आपके विद्यालय किसी भी ट्रस्ट या सोसाइटी से एफिलिएट होना चाहिए, निबंध होना चाहिए, तभी आप कर सकते हैं, ठीक है। और जिस भी ट्रस्ट से आपका विद्यालय निबंध हुआ है वो आपको शपथ पत्र बना के दिए होंगे, वो शपथ पत्र को अपलोड करना है। अगर आपका खुद का ट्रस्ट या खुद का सोसाइटी है तो आप अपना उसका जो प्रूफ है, शपथ पत्र सोसाइटी बनाते हुए जो शपथ पत्र आपने बनाया था वो आपको अपलोड करना है, ठीक है। आपका खुद का सोसाइटी है या ट्रस्ट है तो उस ट्रस्ट के अंदर आपको अपने विद्यालय को रजिस्टर करना है, उसके बाद जो शपथ पत्र बना उसको आप अपलोड करेंगे। या आप किसी विद्यालय के ट्रस्ट पे या सोसाइटी पे अपने विद्यालय को संचालित करना चाहते हैं तो उस ट्रस्ट वाले से आपका शपथ बनेगा, उस शपथ को आपको यहाँ पे अपलोड करना है। ये डॉक्यूमेंट नंबर वन। उसके बाद दूसरी डॉक्यूमेंट आपको तैयार रखना है। यहाँ पे कहेगा आपको कि आपका जो विद्यालय वो खुद का है, यानी जो प्रिंसिपल है उसी का जमीन पे, यानी उसी का मकान है, उसी का विद्यालय है, तब आपको यहाँ पे अपलोड ऑनरशिप रसीद, यानी कि उस जमीन का जो दस्तावेज होगा जैसे जमीन का रसीद वगैरह, वो अपलोड करना है। या अगर वो जो विद्यालय वो किराए पे लिया गया है तो जिसके साथ, जिससे किराए पे लिया गया उसके साथ एक एग्रीमेंट हुआ होगा प्रिंसिपल का, तो वो एग्रीमेंट आपको अपलोड करना है। दूसरा डॉक्यूमेंट आपको ये तैयार रखना है, खुद का है तो जमीन का रसीद, अगर दूसरे का है तो रेंट एग्रीमेंट जो हुआ था वो आपको रखना होगा। तीसरी डॉक्यूमेंट, जो भी आपके विद्यालय के प्रधान शिक्षक है उसकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो है उसकी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा, उसकी जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन उसकी सर्टिफिकेट, और उस अगर वो ट्रेनिंग किया हुआ है तो उसकी ट्रेनिंग की सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। ये आपकी तीसरी डॉक्यूमेंट अपलोड करनी होगी। अब चौथी डॉक्यूमेंट, यहाँ पे आपको लिस्ट है इसमें देखना होगा। चौथी में आपको सिग्नेचर ऑफ स्कूल हेड, स्कूल हेड यानी प्रिंसिपल जो है उनका सिग्नेचर आपको यहाँ पे चूज फाइल क्लिक करके अपलोड करना होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है अनुलग्नक अपलोड करें, ये उसके लिए यहाँ पे लाल कलर में दिया है, इस पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे आप उस लाल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको न्यू टैब में कुछ इस तरह खुलेगा, और यहाँ पे आप सेवा में है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, और यहाँ पे आपका जिला का नाम। उसके बाद यहाँ पे लाइन जो है इसको प्रिंट करना है, प्रिंट करने के बाद ये लाइन पे आपके विद्यालय के नाम और एड्रेस लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अनुक्रमांक लिखना है संस्था के द्वारा जो विद्यालय को प्राप्त है। उसके बाद यहाँ पे स्थान दिनांक लिखना है, प्रबंधक समिति यानी कि इसको प्रबंधक समिति ट्रस्ट की समिति उसका जो उससे उसका जो अध्यक्ष है उससे आप सिग्नेचर करवा सकते अगर चाहे तो, वह स्थापक जो है उसका आप जो भी स्थापक है मतलब कि विद्यालय के उसका सिग्नेचर आपको करवा लेना है। सिग्नेचर करवाने के इसको प्रिंट करके यहाँ फिलअप करेंगे, सिग्नेचर करवाएंगे, डेट डेट स्थान लिखेंगे, उसके बाद स्कैन करके आपको पीडीएफ में आपको अपलोड करना होगा, यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। उसके बाद स्कूल के फ्रंट साइज, स्कूल के आगे फ्रंट साइज के फ्रंट से फोटो लेना, वो फोटो अपलोड करना है। स्कूल का जो प्लेग्राउंड है, खेल के मैदान, उसकी फोटो लेकर आपको यहाँ पे अपलोड करना है। स्कूल का जो क्लासरूम है, क्लासरूम की फोटो लेके यहाँ पे अपलोड करना है, चूज फाइल पे क्लिक करें। स्कूल में जो पुस्तकालय है, लाइब्रेरी, उसका फोटो क्लिक करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद स्कूल कैंपस का फोटो आपको अपलोड करना है, स्कूल का जो पूरा कैंपस उसका फोटो आपको अपलोड करना है। ये सारी डॉक्यूमेंट आपको चूज फाइल पे क्लिक करके सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको अपलोड बटन पे क्लिक कर देना है। तो डॉक्यूमेंट के बारे में तो आप समझ गए क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगी, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है। उसके बाद आपको ये वाले वीडियो देखना है, ये वीडियो 28 मिनट का है,
इस वीडियो में मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस बताया है, ट्रस्ट क्या होता है, सोसाइटी क्या होता है, ट्रस्ट कहाँ से आपको बनाना होगा या दूसरे के ट्रस्ट में आप कैसे जुड़ सकते हैं, वो सारी चीज़ हम आपको इस वीडियो में बताए हैं। साथ साथ ऑनलाइन अप्लाई करने का भी पूरा प्रक्रिया हमने आपको पिछले वाली वीडियो में बताया, और आज के इस वीडियो में आपको डॉक्यूमेंट के बारे में हम बता दिए, और ये पिछले वाले वीडियो को देख लीजिएगा, लिंक भी हम आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे ताकि आप उस लिंक से भी वीडियो को देख सकते हैं। उम्मीद करेंगे स्कूल रजिस्ट्रेशन के लिए लगने वाले डॉक्यूमेंट तो आप समझ गए होंगे कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, और अधिक जानकारी के लिए ये वीडियो को जरूर देखें।